हम जिस भी सेशन पे वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी पे क्वेश्चंस आएंगे और आप देख लेना इस सेवेंथ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो भी आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए आपके पास एक एटम है और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जो 10th वाला इलेक्ट्रॉन मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन होगा मतलब जो कि आउटर मोस्ट शेल में होगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देखिए उस 10 के बीच में मतलब 1 to 9 आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, सिर्फ उस 10वें को या 10th वाले को आप निकाल सकते हो, तो उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके पहले इलेक्ट्रॉन को आप नहीं निकाल सकते, पहले आउटर मोस्ट निकालेंगे, बाद में उसका आउटर मोस्ट वैसा हुआ, बाद में ऐसे करते करते हम आउटर मोस्ट ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक एलिमेंट था एक्स, इसके लिए